Hey guys, welcome back to Jugaad. So, आज के वीडियो में हम फिर से एक बहुत ही आसान सा और यूजफुल सा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा सिमिलर होगा, आपको देखने से आइडिया लग ही गया होगा कि क्या प्रोजेक्ट मैं बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज के प्रोजेक्ट में हम बनाने जा रहे हैं एक इलेक्ट्रिक केटल जो सेम हमारे प्रिंसिपल के साथ वर्क करेगा, जो हमने प्रीवियस एक वीडियो बनाया था वाटर बॉयलर वाला, उसी प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। ये भी ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़े से कंपोनेंट्स डिफरेंट है, थोड़ा सा जुगाड़ डिफरेंट है, ठीक वैसे बनेगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यार ये आई कार्ड पे ऊपर लिंक आ रहा होगा, देख लीजिए वीडियो, लेकिन बाद में देख लेना, पहले ये वीडियो देख लो, बाद में वो देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा आपको उस वीडियो की। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट्स बता देता हूँ कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें यूज आएंगे इस पे। यार देखो, मेरी सारी वीडियोस में बहुत सस्ते कंपोनेंट्स यूज होते हैं, तो यार और ये कंपोनेंट्स आपको कहीं पे भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बाकी जुगाड़ जो भी होगा वो मैं आपको बता ही दूंगा। तो चलिए मैं कंपोनेंट्स आपको बता दूं। सबसे मेजर कंपोनेंट है, आपको एक चाहिए छोटा सा, ये इसको क्या बोलेंगे, बकेट टाइप्स, ये एक छोटी सी बाल्टी बोल दो आप, या फिर आप अगर आपके पास ये नहीं, आपके पास कोई खराब मग्गा, जो मग होता है जिससे आप नहाते हो, वो भी चल जाएगा। इस टाइप का कोई भी कंटेनर, ये फिलहाल 1 लीटर का है। फिर आपको चाहिए 4 इंची की नेल, नेल माने तो कीला, 4 इंची की कील आपको चाहिए। तकरीबन आपको मिलेगी जहां तक मुझे लगता है 2 से 3 रुपए की, अगर दोनों आप लेंगे, 5 रुपए से ज्यादा नहीं लेना चाहिए किसी भी शॉपकीपर को, तो 5 रुपए तक में ये दोनों मिल जाएगी, 2 पीस आपको चाहिए। हमें चाहिए थोड़े से वायर्स, वायर्स के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप प्योर कॉपर वायर लो, इस टाइप का लेंथ आपको डिपेंड करनी चाहिए जैसा आपका यूज हो। आपका प्लग पॉइंट दूर हो तो आपको ज्यादा चाहिए, कम हो तो मैं तो छोटा ही सा ले रहा हूं अभी वायर। फिर आपको चाहिए होगा ये एमसील, एमसील 10 रुपए की आपको मिल जाएगी, 10 रुपए की, हालांकि इसमें यूज नहीं होगी, इसमें तो जरा सा यूज होगा, लेकिन क्या कहते हैं, आप रख सकते हो, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में काम आएंगे, तो आपको ये जरूरत होगी एमसील। बाकी यार हॉट ग्लू से मैं इसको नहीं बनाऊंगा क्योंकि हॉट ग्लू में कमी है, वो मैं आगे वीडियो में बता दूंगा आपको कि क्या कमी है, वरना वो लोग सोच रहे होंगे चिपकाने करने का काम एमसील भी होता है, हॉट ग्लू का भी होता है, तो वो मैं आगे आपको बता दूंगा। बाकी बेसिक सोल्डिंग मशीन चाहिए होगी, सोल्डिंग मशीन की वीडियो आपके पास आ गई होगी जहां तक मुझे लगता है। सोल्डिंग मशीन का मैंने पूरा डिटेल आपको बताया कि कैसे सोल्डिंग करते हैं, पूरा टिप्स मैंने आपको शेयर किया आपके साथ, वो वीडियो का भी आई कार्ड में मैं फ्लैश आपके पर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा उस वीडियो की। बाकी चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट काम हमें इस नेल की जरूरत होगी और हमें चाहिए होगा लाइटर। हम क्या करेंगे, इस नेल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और यहाँ पे एक होल बनाएंगे, नीचे दो बॉटम में 2 होल्स बनाएंगे, तो इसको गर्म करते हैं हम थोड़ा सा पहले। लाइटर चूतर है यार ये, हार में गया। मैं इसको होल करके लाता हूँ, मेरा एक चूतिया सा लाइटर था जिसके वजह से ये होल हो नहीं पाया, तो मैं होल करके ले आया हूँ। उस पर मैंने क्या किया था, इस नेल को गरम किया था अच्छे से, उसके बाद यहाँ पे 2 छेद ऐसे ऐसे करके घुसेड़ के ऐसे मैं बना दिया। तो ये 2 छेद हमें ऐसे बनाना होगा, पहला काम है जो हमें करना है। उसका दूसरे काम में हमें, देखो भाई बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है ये, कुछ भी ना करना, ये कीला आपने, दोनों जो कीला होगा उसको आपने ऐसे करके डाल देना, यहां से वायर निकाल देना, सोल्ड करके आप बांध भी सकते हो जैसा आपको मर्जी हो, जो आपके लिए आसान पड़े, दोनों करके सोल्ड कर दो यहाँ पे वायर, जो वायर हमने बताया था आपको, ये वायर को सोल्ड कर दो इसमें और निकाल दो। बाकी फिर एमसील से हम इसको यहाँ पे लगा देंगे, तो अंदर से कुछ ये इस प्रकार दिखेगा। तो चलिए मैं एमसील और वो सब लगा देता हूँ, पूरा बाकायदा कंप्लीट कर देता हूँ।
गाइस तो तकरीबन 4 घंटे हो गए, तो 4 घंटे उसको लगा है सूखने में। मैंने बता देता हूँ कि प्रॉपरली देखो फास्ट फॉरवर्ड में मुझे मालूम है कि थोड़ा ढंग से समझ में नहीं आता कि एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन भाई देखो अगर मैं एक एक प्रोसीजर को दिखाता रहूंगा ना तो 5-6 घंटे की एक वीडियो बनेगी। तो इस वजह से यार थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता है, मजबूरी है मेरी भी, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम पे हमें दिखाना पड़ता है कि क्या कॉन्टेंट मैं बना रहा हूँ, और ताकि आपको अच्छे से समझ में। तो मैं अभी समझा देता हूँ मैंने क्या क्या किया। पहले तो मैंने यहाँ पे एमसी लगाई है इन जगह पे, और दोनों पूरा उल्टा घुमा के एमसी लगा के फिर नेल को अंदर प्रेस किया है, और अंदर से भी एमसी मैंने लगाई है ताकि प्रॉपरली वाटर टाइट हो। सोल्डिंग कर दी थी मैंने, सोल्डिंग की आपने क्लिप देखी है, सोल्डिंग करके वायर निकाल दिया है, लगा दिया है एमसी, प्रॉपरली सूख गया। तकरीबन 4 घंटे लगे भाई सूखने में, लगेगा 4 घंटे, हालांकि 3 घंटे तक में भी हो जाएगा, लेकिन प्रॉपरली होने के लिए 4 घंटे रुक जाओ, तुम तसल्ली रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, 4 घंटे हो जाएगा। प्रिंसिपल क्या यार, पिछला जो प्रिंसिपल था हमारा कैथोड एनोड वाला वही माजरा है, ये प्रॉपरली कैथोड एक एनोड हो गया, उसी प्रिंसिपल में वर्क करेगा, सेम माजरे से काम करेगा। वायर में क्यों कहता हूँ यार, वायर में फोकस करो, क्योंकि यार वायर एक ऐसी चीज है जो लोग ज्यादातर ध्यान नहीं देते इस पे। तो वायर का क्या, इसमें पावर थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करता है, वायर हीट ना हो, मेल्ट ना हो, एक्सीडेंट ना हो, पिछली बार एक्सीडेंट जैसे हुआ था उस टाइप का चीजें ना हो। तो यार पिछली बार तो बजी है मैं, चलो जिंदा हूँ, ताकि ये सब नौटंकियां फिर मैं कर सकूं, तो इस वजह से। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से पहले भाई अगर तुम लोग यहाँ पे इस चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर क्या ही करो यार, बस सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार मैं ऐसे कंटेंट हर संडे को लाता रहता हूँ। जुगाड़ू वीडियोस है कुछ नया नया टेक्नोलॉजी है, कुछ हैक्स है, कुछ ऐसा जुगाड़ है जो आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। तो सब्सक्राइब कर दो, बाकी वीडियो को लाइक कर दो, अगर आपको लगती है ये वीडियो यूजफुल है तो यार लाइक करो, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार, बताओ उनको क्या होता है जुगाड़। तो यही होता है यार जुगाड़। तो चलिए इसको टेस्टिंग की टाइम आ गया, टेस्ट करते हैं, देखते हैं। टेस्टिंग में क्या है यार, ठंडी आ रही है, मैं थोड़ा नींबू पानी टाइप से इसमें बनाने का ट्राई करूंगा। मैं नींबू पानी इसमें बनाऊंगा, तो हल्का सा पानी को गर्म करेंगे, फिर नमक और नींबू वीबू डाल के, थोड़ा चीनी डाल के नींबू पानी बनाते, तो देखते कैसा चलता है। तो चलो टेस्ट करते हैं। सबसे मतलब खतरनाक काम होता है यार ये, जो भी चीज मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ उसमें मुझे सबसे डरावनी पार्ट यही लगता है उसकी टेस्टिंग, क्योंकि यार 99% मेरे चीजें है ना वहीं पे बकवासी होती है उसमें मेरी। तो चलो यार चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, आ जाओ यार। तो भाइयों उस पे को मैंने लगा दिया, पूरा सेट कर दिया, इस पे मैंने आधा लगभग पानी मैंने भर दिया, आधा देख सकते हो पानी भर दिया, बाकी लाइट अभी ऑफ है क्योंकि मैंने अपनी टेबल लैम्प ऑफ की है, टेबल लैम्प से ही कनेक्शन से चलेगा। चलो भैया लगाते इसको भी, देखते यार चलना चाहिए यार, मतलब पिछले बार वाला चल गया था तो इस बार वाले भी चलेगा। भाई बात ये ना, फुकती थोड़ा ज़्यादा है स्टार्टिंग में पहली बार, तो स्टार्ट करने जाते हैं। 3-2-1 स्टार्ट। उफ नाइस चल गया ये, और हाँ वैसे ही सेम बबल्स निकल रहे हैं। मैं जूम करता हूँ, ट्राई करता हूँ आपको दिखाने का, देख रहे हो ना आप, यही बबल्स की मैं बात कर रहा था, ये इसकी पहचान होती कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। पानी तो बहुत जल्दी ही गर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गरम कर रहा है। चलो आप देखो पानी गरम होते हुए, तो गाइस पानी तो गरम हो गया। मैंने पिछली वीडियो से तो ये सीख लिया, इसके अंदर हाथ तो कतई नहीं डालूंगा मैं, वरना तो पूछो मत क्या होगा। तो नींबू पानी बनाए, लो बनाते हैं नींबू पानी बनाते। बाकी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि यार इससे तुम बना के नींबू पानी पियो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कैसा होगा, मैं एक बार देख लूंगा अपने हिसाब से करके उसके बाद बताऊंगा यार आपको, आप पहले ट्राई मत करना ठीक। देखते यार गरम तो हो गया, तो ये थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट है, सबसे पहले मैं कॉमन सॉल्ट इसमें डालूंगा, तकरीबन इतना डाल देते हैं। उस ये क्या हो रहा है, ओह शिट ये आवाज कैसा हो रहा है, फक 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 फक, अरे मैं भूल गया शिट, अरे शिट, एक सेकंड। कसम से यार मैं एक चीज भूल गया यार,
सॉल्ट जो होता है, सॉल्टी वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके चक्कर में शॉर्ट सर्किट करने लगा इसके अंदर। तो यार नमक जैसी चीजें कभी इसके अंदर डालना मत। हाँ अगर यार पानी खाली गर्म करना है तो उस पर ये परफेक्टली वर्क करेगा। सॉल्ट जो था, सॉल्ट से हुआ क्या, इसके अंदर आयंस क्रिएट हुए जिसके चक्कर में कंडक्टिविटी पानी की बढ़ गई, तो उस चक्कर में अंदर ही अंदर वो शॉर्ट सर्किट हो रहा था, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आइटम को बर्न कर रहा था। तो इस वजह से आप ये जो काले रंग का चीज मार रहा देख रहे हो, कैसे दिखाऊंगा मैं, दिखा देता हूँ आपको, ये जो काला पानी जैसा आप देख रहे हो, ये उसी वजह से हुआ क्योंकि यार वो जो सॉल्टी वाटर था उसके चक्कर में ये नौटंकी हो गई। तो भाई नमक पमक तो इसमें नहीं डाल सकते, नमक डालने से तो काम होगा नहीं इस पे। नींबू पानी तो भूल जाओ यार, नींबू पानी तो नहीं बनने वाला यार इससे माजरे से, बाकी यहाँ पानी जरूर गर्म हो जाएगा इतना तो पक्का है। क्या करे, चकने के तरह चार जाओ। क्या कर रहा हूँ मैं, तो आज के वीडियो में इतना ही, होप आपको ये वीडियो अच्छी है लगी हो, तो अच्छी लगी हो तो यार लाइक मारो यार, और क्या। तो मिलते हैं अगले संडे को, अगले संडे को देखते हैं कि क्या करेंगे हम लोग। बाय बाय टाटा। I'm gonna hit that stage, I'm gonna make the crowd move so great. Yo, I'm gonna hit that stage, I'm gonna make the crowd move so great.